परिवार की तरफ से नहीं, समाज की तरफ से। जिस प्रकार से पिछले काफ़ी दिनों से राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है, मेरा ये सोचना है कि इसके लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के बयान इन उपद्रवियों के समर्थन में आ रहे हैं, उससे इन उपद्रवियों का विशेष रूप से जो तुष्टिकरण की नीति अपनाई जा रही है अशोक गहलोत के द्वारा, उससे उनके हौसले बुलंद है। और आए दिन जिस प्रकार से हिंदू समाज के व्यक्तियों के ऊपर, हिंदू समाज के घरों के ऊपर, हिंदू समाज के समूहों के ऊपर आक्रमण किए जा रहे हैं, ये बिना सरकार के प्रश्रय के संभव नहीं है। ये सरकार पूर्णतः तुष्टिकरण के रूप में डूबी हुई है और इस सरकार का इन समाज कंटकों को पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। विशेष रूप से जो कांग्रेस के अंदर ही मांग उठ रही है कि अशोक गहलोत इस प्रदेश की कानून व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, उन्हें तुरंत इस प्रदेश की गद्दी छोड़ देनी चाहिए। पुलिस प्रशासन।